ये नए साल का मेरा पहला वीडियो है और साल की शुरुआत कुछ यूं हो रही है कि इस यूट्यूब चैनल पर आपको पहले ही महीने ढेर सारा कंटेंट देखने को मिलने वाला है। एक लंबी यात्रा पर निकल रहा हूं और इस यात्रा में कोशिश होगी कि जहां जहां रहूं आपको उस यात्रा के बारे में, उसकी दूरी के बारे में, वहां के खर्च के बारे में सारी चीज़ें बताता रहूं। तो फिलहाल पहला पड़ाव है चांडिल डैम का। रांची से लगभग 101 किलोमीटर की दूरी पर है ये डैम। झारखंड के लोगों को अक्सर ये शिकायत होती है कि सरकार जो है वो पर्यटन पर खर्च कम करती है। तो आप ये सारे इक्विपमेंट्स देखकर अंदाजा लगाइए कि क्या सच में झारखंड में पर्यटन पर कम खर्च होता है या फिर ज्यादा खर्च के बावजूद उसकी देख रेख में कमी होती है। ये आप देख रहे हैं, ये सारे जो बूट हैं वो बेकार पड़े हैं और इस वक्त घड़ी में 10:30 बज रहे हैं और यहाँ बोटिंग की कोई सुविधा नहीं है। अगर आप इस वक्त बोटिंग करना चाहते हैं तो कोई नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे सारी चीज़ें बंद हैं। देखिए किस तरह चीज़ें बर्बाद हो रही हैं। वहाँ मछली पकड़ने का नेट, और इस तरफ बोट्स, कई बोट्स ऐसे पड़े पड़े सड़ गए, रखे। इनकी देख रेख हुई होती, समय से मेंटेनेंस हुआ होता तो ये कितना कमाकर ये सारी चीजें दे सकती थी। ये जेट स्की है, अक्सर गोवा में ये जेट स्की आपको गोवा और उसी तरह के शहरों में देखने को मिलती है। बहुत सारी तस्वीरें जो हैं इस तरह की जेट स्की में लोग खिंचवाते हैं। तो अगर इसका डमी मॉडल भी बनाकर यहाँ सेल्फी जोन की तरह इस्तेमाल किया जाता तो ये कितना कमा कर दे सकता था। तो देखिए कई सारी चीजें इसी तरह बेकार और खराब पड़ी हैं। इस तरफ भी तो हम में से जो लोग अक्सर सवाल करते हैं कि पर्यटन में कम खर्च होता है, उन्हें इन्वेस्टर्स का भी जवाब देना चाहिए कि खर्च तो हो रहा है, उसकी देख रेख कम होती है। बहुत सारी जगहें हैं जिन्हें और डेवलप करने की ज़रूरत है, उस जगह को और सरकार को पहचान देने की ज़रूरत है, लेकिन वैसी जगहें जो अपनी पहचान स्थापित कर चुकी हैं, पर्यटक पहुंचते हैं वहां, इस तरह का वेस्टेज सवाल तो खड़े करता ही है। और इस वक्त यहां बोटिंग की सुविधा न होना एक बड़ा नुकसान माना जाना चाहिए। कई सवाल हैं इसके पीछे, ये भी कि क्यों ना ये सारी चीज़ें फिर प्राइवेटाइजेशन की तरफ चली जाएं और प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जाए। अगर पर्यटन विभाग, सरकार, सरकारी कर्मचारी ये सारी चीज़ें नहीं देख सकते तो बेहतर है कि प्राइवेट वाले देखें।
अपने हिसाब से देखेंगे।